हेलो मेरी किचन के महारथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी भटूरों की शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली जब लोग भटूरे बनाते हैं या तो भटूरे फूलते नहीं हैं या बिल्कुल पापड़ जैसे सख्त बन के तैयार हो जाते हैं या कभी कभी भटूरे बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं। तो आज मैं अपनी इस रेसिपी में कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको ये चीज़ बताऊंगी कि भटूरे किस तरीके से एकदम 100% गुब्बारे ऐसे फूले फूले बनेंगे और वो भी पहली बार में। फूले फूले भटूरे बनाने के लिए यहाँ हम ले रहे हैं 500 ग्राम मैदा और यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर, 1 चम्मच नमक, जिससे भटूरों में टेस्ट आए। और यहाँ हम ले रहे हैं 2 चम्मच यीस्ट। यीस्ट हमें इसलिए लेना है क्योंकि भटूरे में जो फुलाने का काम है वो ये यीस्ट ही करेगा। यीस्ट हमने ले लिया है। यीस्ट के बाद हम लेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम पहले जो सूखी सामग्री है उसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कहीं ऐसा ना रहे कि मैदा कहीं कम है, कहीं यीस्ट कम है, कहीं बेकिंग पाउडर कम है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसे नरम आटा बनाएं जैसे आप रोटी के लिए बनाते हैं। अगर सर्दियों में आप बना रहे हैं, जैसे आजकल बहुत ठंड चल रही है, तो आप एक गुनगुना पानी ले सकते हैं साथ। गुनगुने पानी के साथ आपके भटूरे जो हैं अच्छे से, भटूरों का आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और आपको 100% गुब्बारे जैसे फूले फूले भटूरे खाने को मिलेंगे। अच्छे से, जितना अच्छे से आप इसे गूंदेंगे भटूरे आपके उतने ही अच्छे बनेंगे। आटा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट लगाएं ना ज़्यादा हार्ड लगाएं। जिस तरीके के आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम वैसा ही आटा आपको लगाना है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। और आटा लगाते हुए ये ध्यान रखें कि जो बर्तन आप ले रहे हैं वो ऐसा ही हो, सेरेमिक बर्तन हो, जिससे जो आटा है वो नीचे चिपकेगा नहीं। अच्छे से आपने इसी तरीके से गूंदना है जिस प्रकार मैं ये आटा लगा रही हूँ। अब इस टाइम पे आपने क्या करना है, हल्का सा हाथ में पानी लगा लेना है और पानी वाले हाथ से इसे अच्छे से फिर से गूंदते जाना है। नीचे बर्तन से सारा आटा निकल चुका है, देखिए पूरा बर्तन भी साफ हो गया है और रोटी जैसा आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा हम 1 चम्मच के करीब लेंगे रिफाइंड ऑयल और इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छे से इस आटे को गूंथ लेंगे ताकि हमारे भटूरे अच्छे से अच्छे बने। इस टाइम पे जब मैं इसे ऐसे पटक पटक के गूंथ रही थी तो हस्बैंड बीच में आके बोलते कि जिस पे तेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसको सोच के आटा गूंथ, तो भटूरों का आटा बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे और अब हमें इसे रेस्ट के लिए रख देना है। सबसे पहले हमें इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि आटा ऊपर से सूखे ना, और इसे हमने बाहर रखना है 20 मिनट के लिए। बाहर 20 मिनट रखेंगे और उसके बाद आप इसके ऊपर लगाएं थोड़ा सा ये कॉटन का मैं कपड़ा, जो अच्छे से मैंने गीला करके निचोड़ के अच्छे से निचोड़ लेना है और फिर हमने इसके ऊपर बिछा लेना है ताकि मॉइस्ट जो आटा जो लगे वो ऐसा ही रहे। अब हमें इसे 20 मिनट बाहर रखना है और उसके बाद आपने चाहे तो आपने जब भी भटूरे बनाने आप फ्रिज में रख दें और उसके बाद फ्रिज से बाहर निकाल कर इसको आपने एक बार फिर से गूंथना है अच्छे से। देखिए कितना अच्छा फर्मेंट होकर तैयार हुआ है हमारा ये आटा। वाह, आटा देख के तो भैया मेरे को तो लग रहा है भाई मेरे भटूरे तो 100% फूले फूले गुब्बारे जैसे तो बनेंगे ही। आटे को ऐसा फूला हुआ जब भी मैं देखती हूँ, हमेशा जब भी मैं भटूरे बनाती हूँ और ऐसा आटा फूल जाता है तो मेरे को मज़ा ही आ जाता है। तो हल्का सा हम यहाँ पर पंचर करेंगे और सब तरीके से, सब तरफ से हमें इसे इकट्ठा करते जाना है और फिर से अब हमें इसे 1 से 2 बार फिर से हम अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि हमारा भटूरा जो है एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो। सॉफ्ट बनने का एक मकसद दोस्तों ये भी होता है कि जितना सॉफ्ट और फूला हुआ आपका भटूरा बनेगा वो तेल भी उतना कम पिएगा। तो अब हमने एक ऐसे सिलिकॉन मैट रख लिया है और उस पर इसी तरीके से हमें फिर से इसे अच्छे से गूंथना है, क्योंकि अब ये थोड़ा आटा ठंडा है क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। 10 मिनट के बाद मैं इसे फ्रिज से बाहर निकाल के लेकर आई हूँ। अब इसको हम अंदर की तरफ टक करते हुए इसका हमने ऐसे डो तैयार कर लेना है,
क्योंकि ये गेहूं के आटे से तो बना नहीं है जो आराम से शेप ले लेगा। अब ये है मैदे का, तो ये थोड़ा सा शेप बहुत मुश्किल से लेता है। अब ऐसे आपने एक एक पेड़ा निकालते जाना है और उसको हाथों में इस तरीके से उसके पेड़े बना लेने हैं। अगर इजीली आपके पेड़े नहीं बनते तो सेम वही प्रोसेस अपनाइएगा जैसे मैंने इसको अंदर से टक करते हुए रखा है। जितने आपने भटूरे बनाने उतने पेड़े आप बना लें पहले और उसके ऊपर ऑयल लगा लें और ऐसे ही पड़े रहने दें। ये एक और टिप है, अगर आप उसी समय ही बना के रखेंगे पेड़ा और उसी समय ही बनाते ही आपने इसके भटूरे बनाने हैं तो कुछ फर्क आएगा। पहले ही पेड़े बना के रखें, उसके ऊपर ऑयल लगा के रखें। जैसे बाजार में भटूरे वाले भैया बहुत से पेड़े बनाकर तैयार करके रखते हैं। अब तेल को आपने सबसे हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है और ऐसे पेड़ा डाल के देखना है। छोटा सा आटे का टुकड़ा आप डाल के देख लीजिएगा कि एकदम वो ऊपर आ गया है, तो तेल आपका भटूरे तलने के लिए एकदम रेडी है। और अब आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पे आपने भटूरे तलने हैं। नहीं तो अगर आपने हाई फ्लेम पे भटूरे तले तो वो भटूरे एकदम जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं उंगलियों की सहायता से पहले फैला रही हूँ आटे को, आपने भी इसी तरीके से उंगली की सहायता से आटा फैला लेना है। और उसके बाद जब आपको लगे ये फैलना आप थोड़ा सा बंद हो गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, बेलन की सहायता से जो भी शेप आपको भटूरे की पसंद है, कई लोग थोड़े से ओवल शेप में खाते हैं, कई लोग सिंपल गोल जैसे रोटियाँ बनती हैं वैसे खाते हैं, पूड़ियों की तरह खाते हैं, जो भी साइज और शेप आपको पसंद हो उस शेप में आपने भटूरे बेल के तैयार कर लेने हैं। यहां पर देखिए हल्के हाथ से आपने करना है, बिल्कुल सख्त हाथ का यूज ना करें इस पे, नहीं तो भटूरा फूलेगा नहीं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसे बेलना है और किनारों से थोड़ा सा आप पतला ही गूंदे, अंदर से बीच में से कम, बीच में से मोटा रखें और किनारों से पतला रखें। और आपने मीडियम फ्लेम पे ये तलना है और हल्का सा आप देखेंगे मैं कैसे किस तरीके से ये जो स्पैचुला है कैसे मैं चला रही हूँ भटूरों के ऊपर। किनारे किनारे से आपको नीचे की तरफ प्रेस करते हुए ये भटूरे बनाकर तैयार कर लेने हैं। एक तरफ से पहले फूल जाए भटूरा तभी आपने फ्लिप करना है, पहले आपने बिल्कुल फ्लिप नहीं करना। अब इसे हम ऐसे रोटेट करते रहेंगे कढ़ाई के अंदर ताकि ये सब तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए और टेस्ट इसका बिल्कुल बढ़िया आएगा। और जैसे आप बाजार में खाते हैं सेम वैसा ही टेस्ट इसका घर वाले भटूरों में आएगा। अब आप जैसे देख सकते हैं हमारे भटूरे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, जैसे हल्दीराम पे मिलते हैं ना गोल गोल गुब्बारे जैसे फूले हुए भटूरे, बिल्कुल लग रहे हैं ना वैसे, लग ही नहीं रहा है क्योंकि भटूरे ये हमने घर पर तैयार करे हैं। अब आप इसे चाहे छोलों के साथ एंजॉय करें या आप किसी भी ग्रेवी वाली चीज़ के साथ जैसे शाही पनीर वगैरह, और अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी तो छोले और शाही पनीर की रेसिपी भी मेरे इसी चैनल पर है। तो दोस्तों देखिए हमारे भटूरे एकदम गुब्बारे जैसे बनकर तैयार हो चुके हैं। और देखिए मैं आपको बीच में से दिखा देती हूँ, इसे तोड़ के देखिए कितना अच्छा जाली हमारे भटूरों में बनी है। ये ऐसी जाली आपने बाजार के भटूरों में ही देखी होगी। अब इस तरीके से आप भटूरे बाजार जैसे घर पे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।